उस भारत माता की देश में जहाँ हर एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा एक सदस्य तो होता ही है जो अपने घर की लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना सिखाता है। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज, हम नारी है, नारी जो आज भी है इस समाज में बेबस और लाचारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे ओ, जब समाज को ही तुम्हारी नहीं पड़ी तो तुम्हें भी कर पड़ी। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। लड़कियों के प्रति समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। जो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। मम्मी मुझे फोन चाहिए। मम्मी मुझे भी फोन चाहिए। फोन? तू क्या क्यों चाहिए फोन? तू क्या करेगी फोन लेकर? मम्मी मुझे पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना है। मम्मी मुझे भी पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना है। अब्रॉड? तुझे बेटा अब्रॉड जाएगी तो सारी साल का खर्चा आएगा। आएगा फिर वहाँ से आएगी तो मुझे तेरी शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। फिर सर ससुराल चले जाएगी। चले जाएगी। अरे बेटा अरे बेटा तो तेरे पास शादी में नहीं आके रुकनी है तो शादी करो ससुराल। अरे मनहूस तुझे मेरे ही घर में पैदा होना था, आज मैं तुझसे पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। अरे बच्चे घर पे गिर गई, बच्चे घर पे गिर गई। तो मैं अंकिता मिश्रा और ये कैमरामैन अभिषेक मिश्रा, हम यहाँ आपके बच्चे के पिता से कुछ पूछने आए हैं। अच्छा चलिए, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी बच्ची गड्ढे पे कैसे गिरी? हम तो बहुत खुश हैं, हम टीवी में, हमारी बेटी टीवी में, हमारा पूरा गाँव टीवी में, हम तो बहुत खुश हैं। और ये बताइए कि आपकी बच्ची गड्ढे में कैसे गिरी? क्या है तो बच्ची है, खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, सर गांव में इतने सारे गड्ढे हैं, इसके जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा। सरकार ने अपने आप को छुपाने के लिए बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख दे रखा है। दो लाख रुपए का हम अपने खेती बाड़ी में लगाएंगे। और बच्ची के भविष्य का? अरे बच्ची के भविष्य का काम उसे तो चूल्हा चौका ही करना है, पढ़ लिख के करेगी क्या? हमारे देश की बच्चियां शिक्षा के लिए स्कूल नहीं जा पाती, फिर भी क्योंकि आजकल लोगों को पैसे ज्यादा प्यारे होते हैं बच्चियां नहीं। और फिर सब बोलते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले।